क्लाइमेट पूरी दुनिया में दोस्तों लगातार काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खतरे की घंटी है इंसानियत के लिए। इंसानों की नई नई दोस्तों खोजें, नई नई इन्वेंशंस काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं हमारे क्लाइमेट को, जिसका नुकसान अंत में इंसानों को ही तो होना है, जिसके चलते ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा खतरा हमारे लिए बना हुआ है क्लाइमेट। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार आज हम आपको दुनिया की 10 ऐसी कंट्रीज़ के बारे में बताने वाले हैं जो पिछले 20 से 50 सालों के अंदर सबसे ज़्यादा दोस्तों इफ़ेक्ट हुए हैं क्लाइमेट चेंज के चलते। तो चलिए देर किस बात की, जानते हैं इस बेहद ही ज़्यादा कमाल की वीडियो को। और दोस्तों कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न अभी से तैयार रखना। क्लाइमेट चेंज के चलते दोस्तों दुनिया में कई जगह पर आपको फ्लड देखने को मिलते हैं, कुछ जगह पर बारिश के समय भी दोस्तों क्लाइमेट चेंज के चलते बहुत ही गर्मी देखने को मिलती है, और कुछ जगह पर तो दोस्तों गर्मी के सीज़न में आपको बारिश देखने को नहीं मिलती, और ये होता है क्लाइमेट चेंज के चलते। इंसानों ने नेचर को पूरी तरह से छेड़ा है, जिसके चलते नेचर बिना पूरा परेशान कर रहा है इंसानों को। नंबर 10 की बात करें तो नाम आता है फिजी का। असल में दोस्तों ये ओशनिया की एक खूबसूरत कंट्री है जो कि जानी ही जाती है अपने बीचेस के चलते, और इंडिया के लोगों को भी अक्सर फिजी काफ़ी पसंद आता है। बहुत सारे इंडियंस तो दोस्तों हर साल यहाँ हनीमून के लिए भी पहुँचते हैं, क्योंकि फिजी देता है इंडियंस को वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत। साइंटिस्ट का ये मानना है कि इंसानों के दोस्तों इन्वेंशंस के चलते या फिर इंसानों की अलग अलग खोजों के चलते ही क्लाइमेट का जो भी असर हुआ है फिजी में वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है, और फिजी में क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स का स्कोर निकल कर आया है 22.5। ये स्कोर जितना ज़्यादा कम होता जाएगा वो कंट्री उतनी ही ज़्यादा इफेक्ट हुई होगी दोस्तों क्लाइमेट चेंज के चलते। आज के दिन तो फिजी पूरी दुनिया की 10वें नंबर की कंट्री मानी जाती है जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड रही है पिछले लगभग 50 सालों में दोस्तों क्लाइमेट चेंज के चलते। यही वजह है कि तकरीबन यहाँ की 1,00,000 आबादी के पीछे 9 लोग एक्सट्रीम लेवल के वेदर के चलते ही आज तक मारे गए। आंकड़ा काफ़ी बड़ा तो नहीं है, लेकिन ख़राब ज़रूर है। नंबर 9 पर नाम आता है कनाडा का। पूरी दुनिया में दोस्तों क्लाइमेट चेंज का एक बहुत ही बड़ा असर नॉर्थ अमेरिका की इस कंट्री कनाडा में भी हमें देखने को मिला है। कनाडा की गवर्नमेंट का भी यही कहना है कि यहाँ भी कई बड़े ग्लेशियर्स बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से पिघले हैं, और ये पूरे संसार के लिए ही बड़ा खतरा है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कनाडा में दोस्तों हर 1,00,000 लोगों के पीछे तकरीबन 103 लोगों की मौत हो जाती है, वो भी दोस्तों एक्सट्रीम लेवल के वेदर के चलते, जैसे कि ज़्यादा बर्फ़ के चलते, ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल के थंडर स्टॉर्म के चलते, या फिर दोस्तों ज़्यादा किसी भी तरीके की गर्मी के चलते। बहुत ही बड़ा खतरा है दोस्तों ये वर्ल्ड के लिए कि कनाडा जैसी कमाल कंट्री में जहाँ फॉरेस्ट लेवल ही इतना बड़ा है, फॉरेस्ट एरिया इतना ज़्यादा है, वहाँ भी क्लाइमेट को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार कनाडा का क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है दोस्तों इस समय 21.83। ये जितना ज़्यादा कम होता जाता है उतना ही ज़्यादा वो कंट्री प्रभावित होती है क्लाइमेट चेंज से। नंबर 8 पर नाम आता है रवांडा का। असल में दोस्तों ये काफ़ी गरीब सी अफ्रीकन कंट्री है। यहाँ के वैसे साइंटिस्टों ने तो कोई भी बड़ा चेंज नहीं किया, लेकिन दूसरे देशों के दोस्तों साइंटिस्टों के चलते ये देश भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहा है क्लाइमेट चेंज के चलते। रिपोर्ट के अनुसार यहाँ हर 1,00,000 लोगों के पीछे 73 लोगों की मौत हो जाती है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीम लेवल के वेदर के चलते, ज़्यादा कई बार तेज़ हवाओं के चलते। तो बहुत बार दोस्तों यहाँ पर आपको बड़े बड़े थंडर स्टॉर्म के चलते भी लोग मारे गए देखने को मिलते हैं। रवांडा का दोस्तों क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स का स्कोर देखने को मिलेगा 21.17, और इस तरीके से ये पूरी दुनिया की 8वें नंबर की कंट्री है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित रही है पिछले 50 सालों में क्लाइमेट चेंज के चलते। नंबर 7 की बात करें तो नाम आता है कीनिया। एक और अफ्रीकन कंट्री इस लिस्ट में अपनी जगह बना चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार यहाँ हर 1,00,000 लोगों के पीछे आपको 113 लोग मरते हुए देखने को मिलेंगे दोस्तों एक्सट्रीम लेवल के वेदर के चलते, जिसमें से बहुत सारे लोगों की मौत तो दोस्तों सुनामी के चलते भी हुई, और बहुत सारे लोगों की मौत तेज हवाओं के चलते हुई। आजकल तो साइक्लोन भी दोस्तों आम तौर पर ही आपको कीनिया में आते हुए नज़र आते हैं। इसका बहुत ही बड़ा कारण है दोस्तों क्लाइमेट के साथ छेड़छाड़। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कीनिया का क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स का स्कोर है 19.67, और ये पूरी दुनिया की 7वें नंबर की कंट्री है क्लाइमेट इफेक्ट के हिसाब से।
नंबर 6 की तरफ पढ़ें तो नाम आता है दोस्तों श्रीलंका का। अब शायद हमारी लिस्ट में ना एशियन कंट्रीज आना शुरू हो गई हैं। अच्छी बात यह है कि अभी तक इंडिया यहाँ देखने को नहीं मिला। श्रीलंका में दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े क्लाइमेट के डिज़ास्टर्स देखने को मिलने वाले हैं शायद अगले कुछ सालों में। ऐसा मेरा कहना नहीं बल्कि हमारी साइंस का दावा है। रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका में हर 1 लाख लोगों में से 38 लोग मारे जाते हैं दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीम लेवल की वेदर के चलते। वहीं अगर श्रीलंका के क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के स्कोर को देखें तो वो है दोस्तों 19 और इस तरीके से ये पूरी दुनिया की 6ठी कंट्री बन जाती है जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रही है क्लाइमेट के चलते। नंबर 5 नाम आता है दोस्तों हमारे इंडिया का। दुख के साथ हमारे ही देश का यह नाम तो लेना पड़ा लेकिन दोस्तों सच बात है कि हमारा देश ना काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है क्लाइमेट चेंज के चलते। ये तो हमने भी शायद फील ज़रूर किया है पिछले 5 से 7 सालों में कि गर्मी के समय में कई बार दोस्तों कुछ जगहों पर मानसून की अच्छी बारिश ही नहीं होती तो वहीं कुछ इलाकों में इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल के फ्लड आते हैं जिससे दोस्तों कुछ स्टेट्स का बेहद ही ज़्यादा नुकसान होता है तो दूसरी स्टेट्स में बारिश कम होने के चलते एग्रीकल्चर यानी कृषि का भी नुकसान होता है। मौसम में दोस्तों काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस इंडिया में पिछले कुछ सालों से देखने को मिले हैं। कारण उसका है क्लाइमेट में चेंज, क्लाइमेट में बहुत ही बड़ा वाला इफेक्ट। और रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में हर 1 लाख लोगों के पीछे आपको तकरीबन 2000 डेथ देखने को मिलेगी दोस्तों। डिजास्टर है ये बहुत बड़ा, 2000 डेथ एक्सट्रीम लेवल के वेदर के चलते। इन डेथ्स में दोस्तों सबसे ज़्यादा लोगों की मौत हुई है फ्लड के चलते। ये तो वैसे काफ़ी कॉमन सी बात है हमारे लिए भी कि इंडिया में इतने ज़्यादा फ्लड आए हैं पिछले 5 सालों में ही कि बहुत सारे लोग इनमें दोस्तों बह गए और बहुत सारे बेचारे लोगों की तो यहाँ मौत भी हो गई। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के अनुसार इंडिया का लेटेस्ट स्कोर है 18.17 और इस तरीके से इंडिया पूरी दुनिया की 5वीं ऐसी कंट्री है साइंटिस्टों के द्वारा बताई हुई जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है दोस्तों क्लाइमेट चेंज से। नंबर 4 पर नाम आता है मेडागास्कर का। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट के रिस्क यहाँ लगातार बहुत ही ज़्यादा बढ़े हैं स्पेशली 2005 के साल के बाद। मेडागास्कर में दोस्तों कहा नहीं जा रहा था कि कभी भी ऐसा वक्त आएगा क्योंकि नेचर ने इसे खूब दोस्तों सुंदरता बख्शी है, लोग भी यहाँ काफ़ी कम हैं लेकिन दूसरे देशों का इफेक्ट ना इस पर पूरा पड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार यहाँ हर 1 लाख लोगों के पीछे आपको 72 लोगों की डेथ देखने को मिलेगी खराब और बेहद ही डेंजरस वेदर के चलते ही। यहाँ अक्सर दोस्तों बड़े बड़े तूफान आपको आते हुए देखने को मिलेंगे जिसके चलते लोग काफ़ी ज़्यादा दोस्तों परेशान रहते हैं। इस देश के लेटेस्ट स्कोर है दोस्तों इस देश का क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स का 15.83 और ये पूरी दुनिया की 4थे नंबर की कंट्री है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है दोस्तों क्लाइमेट चेंज से। नंबर 3 की बात करें तो नाम आता है जर्मनी का। यूरोप की ये बहुत ही बड़ी वाली शान है लेकिन ये भी ना बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो रही है और नेचर के सामने इसका भी दोस्तों रुतबा पूरा फीका पड़ता है क्योंकि नेचर ने ना इसको भी पूरी तरह से परेशान किया है क्लाइमेट चेंज के चलते। रिपोर्ट के अनुसार हर 1 लाख लोगों के पीछे यहाँ 1,246 लोगों की दोस्तों मौत हो जाती है खराब लेवल के एक्सट्रीम लेवल के वेदर के चलते। ये भी बहुत ही बुरा आंकड़ा है दोस्तों जर्मनी का। इनमें से ज़्यादातर मौतें दोस्तों आपको तूफानों के चलते या फिर साइक्लोन के चलते ही देखने को मिलेगी तो जर्मनी का भी हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रहा है दोस्तों क्लाइमेट चेंज के चलते। और जर्मनी का लेटेस्ट क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है 13.83। नंबर 2 की बात करें तो नाम आता है दोस्तों फिलीपींस का। फिलीपींस एक ऐसा देश जहाँ की लड़कियाँ इंडियंस को काफ़ी पसंद करती हैं और एशिया का ये देश दोस्तों सुंदर नज़ारों के लिए, साफ पानी के लिए और बेहद ही कमाल के बीचेस के लिए पूरे वर्ल्ड में ही फेमस है। लेकिन अब ना इसके बीचेस इसी पर भारी पड़ रही हैं क्योंकि अक्सर हर साल यहाँ से खबरें आती हैं कि समुद्र की लहरों में बहकर ही कुछ लोगों की मौत हुई जिसका कारण है दोस्तों क्लाइमेट चेंज। रिपोर्ट के अनुसार यहाँ 1 लाख लोगों के पीछे आपको 455 डेथ देखने को मिलेंगी एक्सट्रीम लेवल के खराब वेदर के चलते। यही वजह है कि आज के दिन दोस्तों फिलीपींस का क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स बढ़कर पहुंच चुका है 11.17 पर। बहुत ही बुरी हालत है दोस्तों क्लाइमेट चेंज के मामले में, इसे बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है, पूरा इफेक्ट किया है दोस्तों क्लाइमेट ने इसे।
नंबर एक की तरफ बढ़े तो नाम आता है जापान का। आजकल तो जापान के कुछ इलाकों में आपको हैवी रेन्स देखने को मिलेंगी तो कहीं पर आपको हीट वेव्स देखने को मिलेंगी। और ओसाका तो दोस्तों बेहद ही ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक्स के चलते ये सब हुआ है दोस्तों जापान में, बेहद ही ज़्यादा क्लाइमेट इफ़ेक्ट के चलते। और पूरी दुनिया में इसी देश को दोस्तों क्लाइमेट चेंज ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। रिपोर्ट के अनुसार यहाँ हर एक लाख लोगों के पीछे 1282 लोगों की मौत देखने को मिलती है एक्सट्रीम लेवल की दोस्तों वेदर के चलते, और बेहद ही ज़्यादा चेंज आए हैं क्लाइमेट में। यही वजह है लोगों की मौत काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन इंसानों की ही गलती है नेचर के साथ छेड़छाड़ की, और उसका सबसे बड़ा नुकसान तो दोस्तों आज के दिन जापान को हो रहा है। आज के दिन ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इस देश का क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स का स्कोर है 5.5, और ये पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रभावित कंट्री है क्लाइमेट के चलते पूरी दुनिया में। तो ये थे दोस्तों दुनिया के वो 10 देश जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं पिछले 50 सालों में क्लाइमेट चेंज के चलते। दुख की बात यह है कि इंडिया का इसमें नाम है, लेकिन जापान वालों के लिए दुख की बात ज़्यादा है क्योंकि उनकी रैंकिंग है नंबर 1। क्लाइमेट से दोस्तों छेड़छाड़ करनी, नेचर को छेड़ना हमें बंद करना होगा, तभी इंसान अच्छे से खुशी से रह पाएंगे। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट में सुजेशन ज़रूर देना, और ऐसी वीडियोस आपके लिए डेली आएंगी। चैनल सब्सक्राइब करो।